ये जो इंडिया है ना, इसे जवाब चाहिए। फादर स्टैन स्वामी को किसने मारा? फादर स्टैन स्वामी की किस वजह से मौत हुई? क्या सिर्फ कार्डियक अरेस्ट ही वजह थी, या सिर्फ उनके लंग्स में कोविड का प्रभाव, या कोई और भी कारण थे, जैसे कि देश की न्यायिक प्रणाली जिसने उन्हें बार बार जमानत मांगने पर भी नहीं दी, ये जानने के बावजूद कि वे 84 साल के थे, पार्किंसन रोग के मरीज थे, क्रॉनिक स्पॉन्डिलोसिस के मरीज थे, ना ही ठीक से सुन पाते थे। एनआईए की विशेष अदालत ने 74 पैराग्राफ के फैसले में एक भी पैराग्राफ में इस बारे में कुछ नहीं कहा कि स्टैन स्वामी के गिरते स्वास्थ्य और उनके बुढ़ापे को जमानत से इनकार करते हुए क्यों नजरअंदाज किया गया था। लेकिन अब स्टैन स्वामी के जेल में गुजरे कई महीनों की तुलना सूरजपाल आमू की आजादी से करिए। सूरजपाल आमू कानून के डर के बिना अपनी पार्टी के पूर्ण समर्थन के साथ, जिसने उन्हें हरियाणा के लिए बीजेपी का प्रवक्ता बना दिया है, नियमित रूप से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। सुनिए वो क्या कहते हैं। नाडवाणी में मर्डर किया, अगर उसकी हत्या हुई है तो उसके कर्मों के कारण हत्या हुई है, ये कहने की जरूरत करें आप लोग। और कहें दोषियों को पकड़ लो, निर्दोषों को छोड़ दो। हम नहीं है दोषी, नहीं है हमारे बच्चे दोष। हमारी बहन बेटियों की नंगी पिक्चर बनाते हैं, हम उनका मर्डर भी ना करें। अगर देश के अंदर इतिहास बनाना चाहते हो, इतिहास बनना नहीं है, इतिहास बनाना है। ना तैमूर पैदा होगा, ना औरंगजेब बाबर हिमायू पैदा होंगे। मई के महीने में आसिफ शेख की हत्या करने वालों को सराहने से लेकर ये कहने तक कि लव जिहाद की शुरुआत पटौड़ी में शर्मिला टैगोर से हुई थी, देश के मुसलमान पाकिस्तानी हैं उन्हें बाहर निकाला जाए, सूरजपाल आमू लगातार इस तरह का जहर उगलते हैं। करनी सेना के प्रमुख के रूप में उन्होंने 2017 में पद्मावत विवाद के दौरान दीपिका पादुकोण का सर कलम करने वाले किसी भी व्यक्ति को 10 करोड़ का इनाम देने की बात भी कही थी, फिर भी वो आज आजाद हैं। दूसरी तरफ स्टैन स्वामी को जमानत देने से इनकार करते हुए एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने कहा, समुदाय का हित स्वामी की व्यक्तिगत आजादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी उम्र या कठित बीमारी के बावजूद। कठित बीमारी यानी स्टैन स्वामी बीमारी का ड्रामा कर रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि अगर भारत की सुरक्षा एनआईए और एनआईए कोर्ट के लिए चिंता का विषय है, तो फिर सूरजपाल आमू आजादी से क्यों घूम रहे हैं? क्या गृह मंत्रालय, हरियाणा सरकार और पुलिस ने उनका कोई भी वायरल वीडियो नहीं देखा है? क्या वे उसमें नफरत नहीं ढूंढ पा रहे, और उन वीडियोस में उन्हें हिंसा की खुली धमकी सुनाई नहीं देती? नहीं, वो इस पर नजर नहीं डालना ठीक समझते हैं। लेकिन स्टैन स्वामी की हत्या की बात पर फिर लौटते हैं और आगे पूछते हैं, क्या रोल था इसमें एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, जिसने बीमार स्वामी को प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने पर आपत्ति जताई थी? क्या रोल था महाराष्ट्र के तलोजा जेल अधिकारियों की, जिनके पास एक साधारण सिपर और स्ट्रॉ की अनुमति देने के लिए मानवता नहीं थी? या क्या रोल था एनआईए का, जिसने 84 साल के कैथलिक पादरी पर यूएपीए का आरोप लगाया, उन पर माओवादी होने का आरोप लगाया, और इतने गहरे आरोप के बावजूद अक्टूबर 2020 में उन्हें अरेस्ट करने के बाद एक दिन के लिए भी इंटरोगेशन के लिए नहीं बुलाया? ऐसा क्यों? क्योंकि वे बस उन्हें सलाखों के पीछे चाहते थे और यूएपीए के कड़े कानून के तहत उन्हें जेल में रखना चाहते थे। क्योंकि जैसा कि अब हम सब जानते हैं, जब यूएपीए की बात आती है तो प्रक्रिया ही सजा है, द प्रोसेस इज द पनिशमेंट, और इस तरह से यूएपीए बना स्टैन स्वामी के लिए सजाए मौत। अफसोस की बात यह है कि उनकी मौत उस दिन हुई जब उनकी जमानत याचिका पर एक बार फिर से सुनवाई हो रही थी, लेकिन जमानत के लिए बहस करने के बजाय स्वामी के वकील अदालत को केवल उनकी दुखद मौत की खबर दे पाए।
लेकिन इस मौत की तुलना क्यों ना हम राम भक्त गोपाल को मिली हुई आजादी से करें, जिस व्यक्ति ने जनवरी 2020 में CAA विरोधी छात्रों पर गोली चलाई, उसे ना सिर्फ जमानत मिली, आज वो आदमी नफरत उगलने के लिए वापस आ गया है। जैसे ही मुसलमान मारे जाएंगे वो राम का नाम लेंगे। भारत मुसलमानों का नहीं शिवाजी का है। उसका कहना है कि वो धर्म निरपेक्षता में, सेक्युलरिज्म में विश्वास नहीं करता और इंस्टाग्राम पर वो अक्सर खुद को गोडसे कहता है, महात्मा गांधी की हत्या करने वाले व्यक्ति के लिए अपनी भक्ति दिखाता है। राम भक्त गोपाल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस को और कितने सबूत चाहिए? तो असल में यहां हो क्या रहा है? देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स ने पुलिस द्वारा UAPA के तहत कई आरोपों को खारिज भी किया है, फिर भी पुलिस और सरकार इन FIRs को रद्द करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो सरकार से असहमत रहते हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, वकील, छात्र, पत्रकार, इनके लिए UAPA से बेहतर सजा क्या हो सकती है? ना ट्रायल की जरूरत, ना सबूत की, 1-2-3 साल जेल में रखो, खुद सीधे हो जाएंगे। बस स्टैन स्वामी को छोड़कर, क्योंकि उनकी तो इंतजार करते करते मौत हो गई। बॉम्बे हाई कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बात करते हुए 21 मई को एक जमानत याचिका के दौरान स्टैन स्वामी ने कहा, संभव है कि मैं यहीं जल्द मर जाऊंगा अगर चीजें ऐसी ही चलती रहीं। 45 दिन बाद सच में उनकी मौत हो गई। ये जो इंडिया है ना, 5 जुलाई के दिन हमने सिर्फ फादर स्टैन स्वामी को नहीं खोया, हमने इंसानियत खोई, हमने कानून का शासन खोया, हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खोई, अपनी सेक्युलरिज्म खोई, अपनी डेमोक्रेसी का एक बड़ा हिस्सा खो दिया। अब तो गांधी को लगातार गोडसे से हम हारते हुए देख रहे हैं।